हेलो दोस्तों, वेलकम टू अब्बास मोबाइल ऑफिशियल। दोस्तों मेरे पास ये एक आईटेल IT5231 मॉडल नंबर सेट है और इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये सेट पूरी तरीके से शॉर्ट है, पिन फुल शॉर्ट है इससे ये सेट, और इसको किस तरीके से सही किया जाएगा मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए मैं पहले आपको यहाँ पर चेक करा के दिखा दे रहा हूँ कि हमारा सेट ये जो है ये फुल शॉर्ट है, इसको फुल डेड भी कहा जा सकता है। ये देखिए हम इसको चेक कर रहे हैं, ये देखिए शॉर्ट बता रहा है, यहाँ पर इधर से चेक कर रहे हैं तो ये भी ये देखिए शॉर्ट बता रहा है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं मॉडल बता दूँ आपको यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आईटेल IT5231 मॉडल नंबर है, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट से सेट को ओपन कर लेते हैं और मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इससे भी अच्छी अच्छी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आप किसी और वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें, हमने वहां पर बहुत सारी वीडियो की लिंक दे रखी है। अगर आपके काम की कोई भी वीडियो हो तो आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए हमने मदरबोर्ड को बाहर निकाल लिया है। हम इसको बर्जा मोड पर रखकर इसके हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये शॉर्ट बता रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो है बैटरी के जस्ट और बैटरी कनेक्टर के जस्ट बगल में जो है वो शॉर्ट बता रहा है, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। और अब हम फिर से चेक करेंगे कि शॉर्टिंग इसकी जो थी वो हटी या नहीं हटी, ठीक है। चलिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं पत्ते को। तो हमारी शॉर्टिंग हटी नहीं है। अब हम यहाँ से चेक करेंगे इसके जस्ट बैटरी कनेक्टर के जस्ट सामने यानी दूसरी तरफ बोर्ड के यहाँ पर उसका कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो हम इसको पहले अच्छे से वाश कर लेंगे। एक बार हम सेट को पहले अच्छे से वाश कर लेंगे, हो सकता है कोई डस्ट होने की वजह से भी ये शॉर्टिंग आ सकती है, तो हम इसको अच्छे से वाश कर लेंगे, ठीक है। और वाश करने के बाद इसको हीट करके सुखाएंगे, इसको हम जब ये सूख जाएगा फिर हम इसको चेक करेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं फिर से, फिर भी हमारा सेट फुल शॉर्ट बता रहा है, तो अब हमको यहाँ पर काम करना होगा, ये सबको चेक करना होगा। ये जो कैपेसिटर है ये वाला भी शॉर्ट बता रहा है, यहाँ से ये भी शॉर्ट बता रहा है, यहाँ तो नहीं बता रहा, ये सब दूसरा कनेक्शन है, पर जो बैटरी कनेक्टर का कनेक्शन है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये वाला जो है ये वाला शॉर्ट बता रहा है, तो हम इसको भी रिमूव कर देंगे। चलिए चेक करके देखते हैं, फिर भी शॉर्ट बता रहा है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहें, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अभी शॉर्ट बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ से ही दिक्कत है, यहाँ से ही फॉल्ट है, हम इसको भी चेक कर लेंगे।
अगर कोई और पार्ट्स शॉर्ट बता रहा है तो उसको भी हम रिमूव कर देंगे। चलिए देखते हैं, इस वाले को भी हम रिमूव कर देंगे। अभी भी हमारा शॉर्टिंग नहीं हटा है। आप फॉलो करते रहें, प्रॉब्लम 100% आपका भी सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो बड़े बड़े दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, हम इनमें से एक को रिमूव करके भी देखेंगे। हो सकता है कि इसकी वजह से ही प्रॉब्लम हो। पहले हम छोटे छोटे पार्ट्स को चेक कर लेंगे। तो हम यहाँ पर ये वाला जो बड़ा सा डायबोर्ड लगा हुआ है, अब हम इसको रिमूव करके देखेंगे। इसको हम रिमूव करके देखेंगे और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है हमारा। चलिए हमने इसको रिमूव कर दिया है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए हम इसको चेक करके देखते हैं। चलिए हमारा यहाँ से जो है वो जो शॉर्टिंग था वो हट गया, यही कैपेसिटर की वजह से हमारा प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ पर देखिए ये हमारा सप्लाई बताने लगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा सेट अब ओपन हो रहा है या नहीं ओपन हो रहा। शॉर्टिंग तो हमारी जो थी वो हट चुकी है। दोस्तों आप फॉलो करते रहें, 100% आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम इसको मशीन पे लगा के और सेट को ओपन करके देखते हैं। इससे पहले जब मशीन लगा देते थे तो मशीन आवाज़ करने लगती थी, यानी फुल शॉर्टिंग बताती थी। अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि क्या होता है हमारा सेट ओपन या नहीं होता है। चलिए हमारा सेट देखिए ओपन भी हो गया है और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इसलिए कि आपका भी प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।